सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे। टॉप 3000 प्लस टोटल जो है वो जनरल साइंस का मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिनमें से इस वीडियो में मैं 50 प्लस क्वेश्चंस को कवर करवाऊँगा। ये वीडियो काफ़ी उपयोगी होगा आपके लिए, क्योंकि जनरल साइंस के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें जनरल साइंस पोर्शन होता है, उसमें से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को जो ज़रूरी लगा मुझे, मैंने सभी को इस वीडियो समय इंक्लूड किया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें नए और पुराने दोनों तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम, वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप किसी डीप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, स्टेट पीसीएस तक की क्वेश्चंस को यह कवर करेगा। इसलिए आप ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए और नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र में सामान्य रूप से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और एक तीसरा तत्व कौन सा होता है, यानी कि जो उर्वरक हम लोग उपयोग करते हैं, आर्टिफिशियल जो कृत्रिम उर्वरक होता है, उसमें कौन कौन सा चीज़ होता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और तीसरा एलिमेंट कौन सा होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोटेशियम होता है। आप इसे याद रखेंगे कि जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र होता है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक दूसरे के अंदर चिपके हुए दो मगों को ठंडे पानी के उपयोग से आप कैसे अलग करेंगे। तो अगर एक दूसरे से चिपका हुआ दो मग है तो उसको ठंडे पानी का उपयोग करके हम कैसे अलग करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अंदर के मगों में ठंडा पानी डालकर। था जब आप अंदर के मगों को ठंडा पानी डाल देते हैं तो वह एक दूसरे से अलग हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। अर्थात यह बात किसने सबसे पहले बताया था कि सूर्य ही हमारे सौर मंडल का सेंटर है और पृथ्वी उसकी जो है परिक्रमा करती है। तो यह बात सबसे पहले कोपरनिकस ने कहा था, तो आप लोग यह नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि महासागरों में ज्वारभाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रख सकते हैं। तो महासागरों में जो ज्वारभाटा का कारण है वह है सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वारभाटा आता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गाँव में एक बड़े पात्र में दही को बिलोकर मक्खन निकाला जाता है, इसमें भौतिकी के किस सिद्धांत का प्रयोग होता है। अर्थात जो दूध से जो मक्खन बनाते हैं उसमें कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, अपकेंद्रण का सिद्धांत लगता है दूध से मक्खन बनाने में। कई एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जेट इंजन जो है वह किस सिद्धांत पे काम करता है, तो यह करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सातवां क्वेश्चन हमारा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वीय बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। अगर पृथ्वी में से गुरुत्वीय जो बल है, जो ग्रेविटी फोर्स है, वो ख़त्म हो जाएगा तो कौन सा कथन सही होगा। ऑप्शन ए है कि वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। दूसरा है वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा। तीसरा ऑप्शन है कि वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएगा। और चौथा ऑप्शन है वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैपलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक व सूची दो की तुलना करके नीचे दिए गए कूट के अनुसार सुमेलित कीजिए। आपको इसको मिलाना है, मैं आपको कूट दे रहा हूँ, मैनोमीटर, फैदोमीटर, क्रायोमीटर और डेजीमीटर। तो इसको आपको मिलाना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपको मैं इसको दिखा रहा हूँ ब्रीफ से, आप इसको बढ़िया से डिटेल से देखिए कि इसका जो करेक्ट आंसर है सेवन्थ का, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए यानी फर्स्ट का बी। मैनोमीटर जो है वह गैस का दाब मापता है, उसके बाद फैदोमीटर यह समुद्र की गहराई को मापता है, उसके बाद से क्रायोमीटर जो है वह गैस के घनत्व को मापता है, और डेजीमीटर जो है वह निम्न ताप को मापता है। तो इस तरह से आप इसे याद रखेंगे।
मैनोमीटर गैस का दाब, फैदोमीटर समुद्र की गहराई, उसके बाद से क्रायोमीटर जो है वह गैस का घनत्व, और डेजीमीटर निम्न ताप को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो ऐसी कौन सी जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवरक्त। अवरक्त किरणों की सबसे ज़्यादा जो है तरंग दैर्ध्य होती है, इंफ्रारेड रेड जो वे रेज होती है उनकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ध्वनि स्वर की पिच किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि स्वर का जो पिच होता है वह निर्भर करता है आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर, ऑप्शन बी से याद रखेंगे, कई एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत तार स्थापन जो घर में जो तार का जो वायरिंग होता है वह किस तरह का होता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समांतर संबंधन में, अर्थात समांतर क्रम में होता है वह, पैरेलल होता है। नेक्स्ट है पैरेलल सीरीज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर आंकड़ों में गलत को निम्न में से क्या कहते हैं? जब कंप्यूटर कोई गलती करता है तो उस गलती को क्या कहते हैं? तो उसको बग कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंप्यूटर की स्मृति को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, एक बाइट कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक बाइट होता है 8 बाइनरी डिजिट, 8 बाइनरी अंक का एक बाइट होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का द्रव्यमान और भार दोनों शून्य होता है, द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, भार शून्य होता है, द्रव्यमान शून्य होता है, भार अपरिवर्तित रहता है, या द्रव्यमान व भार दोनों अपरिवर्तित रहता है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग भी आंसर करने की कोशिश करें। इसका जो आंसर होगा वह होगा पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है लेकिन भार जो है वह शून्य हो जाता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरह से याद रखें किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वह कभी नहीं बदलता है, चाहे वह धरती पर रहे, चांद पर रहे, किसी भी अलग जगह पर रहे, लेकिन उसका भार जो है वह बदलते रहता है क्योंकि जी का मान चेंज होते रहता है, स्मॉल जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गन मेटल किस मिश्र धातु की बनी होती है? कई एग्जाम में आ चुका है यह कि गन मेटल किस किस धातु से मिलकर बनी होती है, जिसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तांबा, टीन और जिंक, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता होती है क्या हानिकारक पदार्थ मिले होते हैं? मतलब वैसा शराब जिसके पीने से लोग अंधे तक हो जाते हैं, उस पदार्थ उस शराब में क्या मिले होते हैं? तो उसमें मिला होता है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल एक प्रकार का जो है वह मंदक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई एग्जाम में पूछा हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय तत्व है? तो अनुचुंबकीय तत्व कौन सा है? तो 21 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, यह अनुचुंबकीय तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक जो है वह चांदी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त की पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का जो पीएच मान होता है वह होता है 7.4, इसे आप याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध निम्न में से किसका उदाहरण है? तो दूध जो उदाहरण है वह है पायस का, दूध पायस का उदाहरण, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा तत्व उर्वरकों में उपस्थित नहीं होता है? मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि उर्वरक में जो है वह नाइट्रोजन होता है, उसके बाद से हाइड्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, यह नहीं होता है, तो क्लोरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार क्या होता है? तो परमाणु का जो नाभिक होता है उसका आकार क्या होता है? तो यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 10^-15 मीटर, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग बदलकर कैसा हो जाता है? तो अम्लीय विलयन में जब भी नीले लिटमस पेपर को मिलाया जाता है तो वह लाल हो जाता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि इसके ठीक उल्टा आप याद रखेंगे कि जब क्षारीय विलयन में डुबाया जाता है तो लाल वाला लिटमस पत्र जो है वह नीला हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सूची दिया गया है, इसको मिलाना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, यह क्वेश्चन है, तो इसको हम मिलाएंगे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। बी कहने का मतलब यह हुआ कि ए का 5, बी का 4, तो ए हो गया मलेरिया, मलेरिया जो से जो है वह प्रभावित होता है रक्त कोशिकाएं, बी का 4 फाइलेरिया से लसिका ग्रंथियां, उसके बाद से है सी का 2nd और डी का 1st,
तो सी का हो जाएगा एनसीफेलाइटिस, तो इसका यह मस्तिष्क को प्रभावित करती है। और ल्यूकीमिया जो है वो अस्थि मज्जा ब्लड जहाँ से बनता है, इसको ब्लड कैंसर भी कहा जाता है, यह उस चीज़ को प्रभावित करती है। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है अल्जाइमर, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अल्जाइमर रोग से जो है वह मानव शरीर का मस्तिष्क प्रभावित होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कई एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है, सॉरी शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किस चीज़ से होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो है वह स्टार्च के पाचन में सहायक होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? जो मानव का जो बच्चा होता है भ्रूण होता है उसका हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 32 का सी, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, जब उसका परिवर्धन हो जाता है उसके चौथे सप्ताह से उसका जो हृदय है वो धड़कने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या सब आवश्यक है? तो 33 का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि क्लोरोफिल भी आवश्यक है और जल एवं सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है प्रकाश संश्लेषण के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वह उत्पाद के रूप में निकलती है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है वह कौन सा भाग होता है? तो हमारे जीभ में जो आगे का भाग होता है वह मीठा का स्वाद बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाँचवें वर्ग के निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? तो पीरियोडिक टेबल में जो पांचवा वर्ग है उसमें कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक जो है क्षारीय ऑक्साइड बनाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है? तो इसमें जो हम चार ऑप्शन है संगमरमर, पीतल, ग्रेफाइट और पेट्रोलियम कोक, इसमें से कौन सा यौगिक है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संगमरमर, यह एक यौगिक है चूना पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस सूची को मिलाना है, तो इस सूची को हम मिलाएंगे, चांदी का एजी होता है, सोना का एयू होता है, ये संकेत है सभी जो इस तरह के एलिमेंट का, पारा का एचजी होता है मरकरी, सीसा का पीबी होता है लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव समूह संबंधित है किस चीज़ों से? तो यह क्लास कोर्डेटा में वर्ग प्राइमेट से, दूसरा यह फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, तीसरा यह फाइलम मेमेलिया के अंतर्गत प्राइमेट क्लास से, चौथा यह फाइलम कॉर्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से। क्वेश्चन समझ लेंगे कि मानव समूह जो मानव वर्ग है वह किस चीज़ से संबंधित है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा या मानव समूह जो है वह फाइलम कोर्डेटा के अंतर्गत क्लास मेमोलिया से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छरों द्वारा नहीं फैलती है? तो मच्छरों द्वारा डेंगू फैलती है, उसके बाद से मलेरिया भी फैलती है, निंद्रालु व्याधि जो है वह मक्खी से फैलती है स्लीपिंग सिकनेस, और फाइलेरिया भी जो है वह आपका फैलती है मच्छरों से, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा स्लीपिंग सिकनेस या मक्खी से फैलती है सीसी मक्खी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु पूरी तरह से पानी में डुबो दी जाती है तो उसके भार में 1/5 भाग की कमी हो जाती है, वस्तु का घनत्व क्या है? तो वस्तु का घनत्व क्या होगा अगर उसके भार में 1/5 की कमी हो जाती है? तो वस्तु का जो घनत्व होगा वह होगा 5, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग की लंबाई है कितना है? बैंगनी रंग के जो प्रकाश के तरंग की लंबाई है वह आपका है 0.4 माइक्रोन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है, इसकी त्रिज्या कम हो जाती है, इसकी त्रिज्या अपरिवर्तित रहती है, यह संकुचित हो जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यह होगा कि इसकी त्रिज्या बढ़ जाती है अर्थात उस बुलबुले का आकार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमरी क्या है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है एमरी क्या है, तो एमरी क्या है इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखेंगे, एमरी क्या है? तो एमरी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम क्लोराइड। तो एनरी जो है वह है अशुद्ध कोरंडम और आयरन ऑक्साइड का मिश्रण, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो कार्बनिक यौगिक का जो नाम है वह है क्लोरोफॉर्म, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्ट्ज घड़ियां किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो क्वार्ट्ज घड़ियां जो है वह किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है? तो क्वार्ट्ज घड़ियां आपके जो है वह दाब विद्युत के प्रभाव पर जो है काम करती है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छूतग्रस्त गाय का दूध किस बीमारी को फैलता है?
तो छूतग्रस्त गाय का दूध से जो है वह किस बीमारी को फैलता है, तो ऑप्शन इसका 46 का आंसर हो जाएगा बी, तपेदिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के पोषण के लिए 16 तत्व आवश्यक होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पादप पोषण के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे मृदा से अपना भोजन प्रायः किस अवस्था में प्राप्त करते हैं, तो पेड़ पौधे जो होते हैं वो मिट्टी से अपना भोजन किस अवस्था से प्राप्त करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, विलयन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हीरे की खनिजीय बनावट इसमें से कौन सा है, तो हीरे की जो बनावट है वह खनिजीय बनावट वह किस चीज़ से प्राप्त होता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो फर्स्ट ऑप्शन है कि ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, दूसरा ऑप्शन है दृश्य तुरंत शुरू हो जाता है लेकिन ध्वनि बाद में सुनाई देती है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, तीसरा ऑप्शन है कि यह टीवी कंपनी पर निर्भर करता है, और चौथा है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ध्वनि तुरंत सुनाई देती है लेकिन दृश्य जो है वह बाद में दिखाई देता है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट सीरीज को करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारी सारी वीडियो आपको दिखती रहे और आप उसका फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।